पूरी दुनिया में योग सबसे प्राचीन विद्या है भारत की, और योग दुनिया को भारत ने दिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग है। आठ योग की आठ ब्रांचेस हैं। इसी से भारत पूरे विश्व के अंदर विश्व गुरु बन सकता है, पूरी दुनिया को योग ही राह दिखा सकता है। भारत पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे ज्यादा पुरानी सभ्यता वाला देश है, जहां से सभ्यता का उदय हुआ है और अवतार भी भारत में हुआ है। तो कहने का मतलब है ये योग ही है जो पूरे विश्व को राह दिखा सकता है, पूरे दुनिया में स्वास्थ्य की क्रांति ला सकता है। अगर योग और आयुर्वेद मिल जाए और पूरी दुनिया में इसका सिक्का चल जाए तो भारत योग की वजह से ही विश्व गुरु बन सकता है। जो हम योगा को समझते हैं वो हम समझते हैं, जो हम पोजेस को देखते हैं, एक्सरसाइजेस को देखते हैं, वो सिर्फ पोस्चुरल मेडिसिन है, पोस्चुरल थेरेपी है, योगा का एक पार्ट है। लेकिन एक्चुअल योग क्या है? एक्चुअल योग है हमें जोड़ने का नाम। योग की अगर हम मीनिंग बात करते हैं तो मतलब है यूनियन, यानी कि मिलाप, यानी कि मेल, संयोग, जोड़। किससे? हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सृष्टि, परमात्मा से। तो एक्चुअल योग सब चीजों से जोड़ने का नाम है। और जो योग से जुड़ जाता है ना, वो उसके जीवन में पूरा का पूरा बदलाव आ जाता है। खाली योगा की एक्सरसाइज अगर हम करते हैं या हम सिर्फ कुछ आसन करते हैं तो वो एक तरह का, जैसे आप जिम जा रहे हो या आजकल जो एक्सरसाइज करते हो बस उतना ही है। लेकिन अगर एक्चुअल योग है तो वो पूरा का पूरा वर्णित है अष्टांग योग में। यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, आसन, समाधि, प्रत्याहार, तो ये सब जो हमारे योग की जो आठ अंग जिसको बताया गया, अष्टांग योग में बताया गया। तो मैं आपको कोशिश करूंगा सिर्फ वो सब बताने की जो आप रोज कर सकते हो। तो जो आप घर पे करते हो योगा, प्राणायाम करते हो, या जो हम पोजेस देखते हैं वो सब आसनों के अंदर आते हैं। तो जब हम बिल्कुल शांत बैठते हैं, नॉर्मल चौकड़ी लगा के बैठते हैं, तो इसको हम सुखासन बोलते हैं, ठीक है। और सुखासन में हम जब ये, इसके साथ मुद्राओं का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अब जब हम ध्यान लगाते हैं तो ये सब, ये ध्यान मुद्रा इसको बोला गया। ये जो उंगली है और अंगूठा आप टच करते हो, ये इतना वंडरफुल प्रभाव करती है कि हमें मालूम नहीं है। जैसे अपने सुना होगा अपना हाथ जगन्नाथ, सुना है ना? तो अपने हाथ को ही हम चाहें तो इस हाथ से ही ना हम पूरी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे ऐसे करो हाथ को, आप लोग शुरुआत करते हैं, ये वाली उंगली जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, इसको ऐसे पकड़ के प्रेस करना है। ये पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी, ये इसको मतलब धरती, फिर अब छोटी उंगली जल, अंगूठा अग्नि, वायु, दबाना भी है इसको साथ साथ, और ये बड़ी उंगली आकाश। ये पांच तत्व हैं जो हमारी बॉडी में अगर बैलेंस हो जाएं तो हम बीमार नहीं पड़ सकते। और इनको बैलेंस करने का सबसे बड़ा सूत्र इन पांच उंगलियों में ही है। तो एक बार कर लेते हैं प्रैक्टिस, फटाफट शुरू करते हैं। धरती, जल, आप मेरे साथ बोल भी सकते हो तो आपको याद भी हो जाएगा। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये मैंने आपको पांच तत्वों के नाम बता दिए। अब इनके मंत्र हैं। इसका जो धरती का मंत्र है ये है लम, तो हम मंत्रों के साथ करते हैं इसको। तो मेरे साथ बोलेंगे लम, फिर आगे है क्या था, जल, इसका क्या है, वम, वम, फिर अंगूठा है अग्नि, इसको बोलते हैं रम, रम, फिर ये आई हमारी कौन सी उंगली, वायु, ये है यम, इसको हार्ट चक्र भी बोलते हैं। तो यम, फिर बड़ी उंगली जिसको हम आकाश तत्व बोलते हैं, इसका मंत्र है हम, है और ऊपर बिंदी, हम,
ये जो आपने पहली उंगली दबाई थी जिसको धरती हमने बोला, ये मूलाधार चक्र का मंत्र है, ये रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे स्थित होता है। मैं आपको दो ऐसी क्रियाएं सिखा रहा हूं, कुछ नहीं कर सकोगे ना सिर्फ वही कर लेना तो भी गाड़ी चल जाएगी। तो पहले मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ, 5 एक्सरसाइज का सेट बता देता हूँ जो आप रोज नियम से करोगे तो छोटी मोटी जितनी भी प्रॉब्लम्स है लाइफ की, और खाली आपकी प्रॉब्लम हेल्थ वाइज ठीक नहीं होगी, हेल्थ वाइज भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, और किसी को नींद नहीं आती होगी, डिप्रेशन होगा, एनजाइटी होगी, थकान रहती होगी, उन सब में भी बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे कमर सीधी करेंगे, चौकड़ी मार के कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, हमने पेट के नाभि के निचले हिस्से को अंदर खींचना है, ठीक है? यस, स्ट्रेच, खींचो अंदर और खींचो, इतना खींचो, इतना खींचो दुखने लग जाए, और खींचो, और खींच के ही रखना है उसको, छोड़ना नहीं है, और खींचे हुए पेट को ही और खींचना है, और खींचो, रिलैक्स। आप आयुर्वेद में सुनते हो ना कि 80-90% बीमारियां पेट से होती हैं, पेट से बोल दिया, पेट में क्या, पेट में क्या चीज से होती है? नाभि इंबैलेंस, जिसको आप धरण पड़ना बोलते हो, या आंतों के अंदर मल चिपक जाना, या आंतों में इंफेक्शन हो जाना। तो ये हमें पेट को सेट कर लिया तो लगभग 80-90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब पेट सेट करने का मतलब लोग सोचते हैं सिर्फ पेट साफ होना, पेट साफ होना उसका एक आयाम है, हमारी एनर्जी को बैलेंस करना, यानी कि नाभि चक्र को। तो ये नाभि चक्र को, जो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, उसको सेट करती है। यस, इसको आप ध्यान मुद्रा में भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे घुटनों पे हाथ रख के भी कर सकते हो। खींचो अंदर पेट को, और खींचो, और खींचो, और खींचो, चेहरा नहीं खींचना, फेस रिलैक्स रहेगा, रिलैक्स। इतना खींचना है कि दुखने लग जाए। 8 बार करेंगे इसको हम, एक बार और पेट के नाभि के निचले हिस्से को अंदर खींचेंगे। यस, स्ट्रेच, और खींचो, और अंदर, और अंदर, और अंदर, खींचे हुए पेट को ये और खींचते जाओ अंदर, और फेस पे हल्की सी स्माइल रहेगी, रिलैक्स। आप कपाल भाती में तो सिर्फ पेट को ऐसे ऐसे करते हो ना, तो कपाल भाती भी यही है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं जो निचोड़ है, कि कुछ नहीं करने का टाइम मिला तो बस यही कर लेंगे अपन। आप इस क्रिया को घर पे करोगे, आंख बंद करके करोगे, ज्यादा फायदा होगा। और सांस का कोई ध्यान नहीं देना, बॉडी अपने आप इतनी इंटेलिजेंट है, वो अपने आप सांस को एडजस्ट कर लेती है। कई बार हम सांस के ध्यान के चक्कर में क्रिया गलत कर लेते हैं। आप बॉडी पे भरोसा रखो, बहुत इंटेलिजेंट है, इसको अपने आप पता है कि मुझे कब सांस लेनी है और कब सांस छोड़नी है। तो ये थी पहली क्रिया जिसको हमने पेट को अंदर खींचा, टोटल 8 बार करना है इसको हमने। ऐसे लेट के सीधा, दोनों हाथ कंधों की साइड पे, कंधों के नीचे पांव जुड़े होंगे, उंगलियां जुड़ी होंगी, अंगूठा जुड़ा होगा, इस तरह हम ऊपर छत की तरफ देखेंगे, हाथ कंधों की साइड पे और कंधों के बाहर उंगलियां जुड़ी होंगी, अंगूठा जुड़ा होगा आपस में, और पीछे पांव जुड़े होंगे। यस, स्टार्ट, 1, रिलैक्स, 2, रिलैक्स, 3, रिलैक्स, 4, रिलैक्स, 5, रिलैक्स, 6, रिलैक्स, 7, रिलैक्स, 8, रिलैक्स। आप में से किसी को थायराइड है, थायराइड की प्रॉब्लम, कोई थायराइड की टैबलेट खाता हो रेगुलरली? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग। आप लोग क्या करोगे, जिनको भी थायराइड की टैबलेट खाते हो, आप जब ऊपर जाओगे ऐसे रहोगे तो अपना फेस को, मुंह को खोलोगे बंद करोगे 4 बार हर स्टेप में, 15-30 दिन में आप टेस्ट कराओगे, थायराइड नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, गोली बंद हो जाती है, 90% लोगों की टैबलेट बंद हो जाती है विद इन 1-2 मंथ्स में। करना क्या है, बस ऊपर जाके जब आप ऐसे रहोगे, यस, जब आप ऊपर जाओगे तो मुंह को
ऊपर देख के छत की तरफ, क्योंकि थायराइड ग्लैंड की एक्सरसाइज कर ली ना आपने, तो इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो टीएसएच लेवल सेट हो जाएगा, आपकी टैबलेट बंद हो जाएगी। हम लोगों ने जो देखा है 80-90% पीपल्स में 1-2 मंथ्स में टैबलेट रिड्यूस हो जाती है और धीरे धीरे फिर बंद हो जाती है। तो थायराइड अगर जिनको नहीं है और आप चाहते हो कभी गोली खानी ना पड़े तो आप लोग भी कर सकते हो, बस ऊपर जाके आपने 4 बार फेस को खोलना है, बंद करना, हर स्टेप में ऊपर जाओ, 4 बार खोलो 4 बार बंद करो, बस इतना सा काम करना है, कर लोगे। और जिसको नहीं थायराइड की प्रॉब्लम वो भी कर ले, नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा ही है। हम करते हैं, दोनों पांव सीधे कर लो सामने, ये अंगूठा छोटी उंगली के नीचे लगा के ऊपर से पूरी मुट्ठी टाइट, जैसे हम प्रॉपर नाव चलाते हैं ना, मालूम है ना आपको नौकासन, हाथ ऐसे रहेगा, ऐसे देखो, हम ऐसे ऐसे हाथ नहीं करेंगे, यहां रखेंगे हाथ कंधों के पास, पूरा आगे जाएंगे नीचे तक जितना जा सकते हैं और थोड़ा सा पीछे जाएंगे, और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सिर आपका नीचे लगने लग जाएगा, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस करोगे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यस, रिवर्स उल्टी तरफ करेंगे इसको, अब स्टार्ट, 8, 7, पूरा नीचे जाओ जितना जा सकते हो, पूरा बॉडी को स्ट्रेच करो, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। 8 बार हमने आगे किया, 8 बार हमने पीछे किया, जो हमने पहले उंगलियों में किया था ना लम, ये मूलाधार चक्र था, ये रीढ़ की हड्डी की निचली एक्सरसाइज हो गई, ऐसे जो हमने ऊपर किया फिर स्वाधिष्ठान चक्र ऊपर की एक्सरसाइज होगी, अब हम मणिपुर चक्र की तीसरी एक्सरसाइज करेंगे, दोनों पांव खोलो। बेसिकली सब कुछ हमारे नर्वस सिस्टम को सेट करने का नाम है, जितनी भी आप एक्सरसाइज करते हो, जितने भी आप योगा प्राणायाम जो भी करते हो, बेसिकली सेटल आप अपने चक्रों को करते हो जो हमारी रीढ़ की हड्डी में स्थित है, जिनको आज का मॉडर्न विज्ञान प्लेक्सिस बोलता है, सोलार प्लेक्सिस, सुना होगा ना आपने, यस। अब पूरी मुट्ठी टाइट, ठीक है, और लेफ्ट से राइट को शुरू करेंगे, हमेशा बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, स्टार्ट, 1, पूरा नीचे जाके घूम के, 2, 3, 4, 5, 6, पूरा आगे जाओ थोड़ा सा पीछे जाओ, 6, 7, 8, 8 बार किया हमने, अब 8 बार इसको हम रिवर्स करेंगे उल्टी तरफ, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। ये होगी आपकी थर्ड एक्सरसाइज, पहली थी पेट को खींचा हमने, ये जो मैं सिखा रहा हूं 5 एक्सरसाइज का सेट, कुछ नहीं कर सकोगे सिर्फ यही कर लेना। अभी हम आंखों की एक्सरसाइज करते हैं, एक तो रोज सुबह जब नींद खुल जाए बिस्तर पे लेटे लेटे आपने शरीर को हिलाना है बच्चे की तरह, चलो शुरू करें, यस, लेटे लेटे करेंगे, मतलब पति को लगना चाहिए काली माता आ गई, ठीक है, और पत्नी को क्या लगना चाहिए, हाँ वो देखो अपने आप कनेक्शन कर लेते हैं, यस, लेटे लेटे बॉडी को हिलाओ, एक तरह से आप समझ लो कि लेटे हुए हो और बॉडी को हिलाना है बस, एक तरह से कम 2-3 मिनट, फिर सीधा बैठ जाओ, अच्छी तरह हाथ रगड़ो। अब एक चीज पहले सुन लो, जब भी हम हाथ रगड़ के आंखों में लगाते हैं तो ये हिस्सा लगाना होता है, ऐसे कौन सा हिस्सा लगाना, ये हिस्सा लगाना है ऐसे, यस, अच्छी तरह हाथ रगड़ो आंखें बंद करके, अच्छी तरह रगड़ो, गर्म करो इसको, करो करो करो, गर्म करो,
पूरा गर्म करो। हथेलियों को रगड़ने से आपस में गर्मी पैदा होती है इसमें। आंखें बंद करके रगड़ो। यस, गर्म हो गए, अब आंखों पे लगाओ, लगा के रखो। कम से कम 15-20 सेकंड रोक के रखना है। ये जो हाथों की गर्मी है आंखों में महसूस होनी चाहिए। यस, पूरे चेहरे पर मलो और आंखें खोल दो। यस, फर्स्ट स्टेप, पहले उठते ही बॉडी को हिलाया, हाथ रगड़े, आंखों पे लगाया। अब जिनको चश्मा उतारना है वो अपना ही स्लाइवा आंखों में डालेंगे, यानी कि अपनी मुंह की लार आंखों में डालनी है। वो घर पे कर लेना, आंखों में लगा भी सकते हो ऐसे अंदर करके ना, ऐसे पकड़ के लगा लो, जैसे काजल लगाते थे ना आप लोग, काजल की तरह इस तरह आंखों में लगा लो ये अपनी स्लाइवा को। उसके बाद ये तीन उंगलियां ऐसे रखनी है स्लाइवा लगाने के बाद, ऐसे। यस, स्टार्ट। 7 बार घुमाएंगे सीधा और 7 बार घुमाएंगे उल्टा। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उल्टी तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 बार सीधा, 7 बार उल्टा। ठीक है, ये हो गई थर्ड एक्सरसाइज। फोर्थ, इसी उंगलियों को आंखों के ऊपर ऐसे टैप करेंगे, 25 बार सीधा, 25 बार उल्टा। यस, स्टार्ट। ये जो भी क्रियाएं करनी है सब आंखें बंद करके, अभी देख लो, करने सीख लो, घर पे जब करना तो आंखें बंद करके। यस, 25 बार सीधा, देन 25 बार उल्टा, टैपिंग इस तरह से। यस, लास्ट एक बार फिर दोबारा हाथ रगड़ेंगे आंखें बंद करके, अच्छी तरह रगड़ेंगे और जोर से, इतना रगड़ेंगे हाथों में गर्मी आ जाए, गर्म हो जाए हमारे हाथ। यस, करेंगे इसको अच्छी तरह गर्म करेंगे, आंखों पे लगाओ और आंखें, उसके बाद 10-20 सेकंड रोक के रखो। 10-20 सेकंड रोक के रखो। यस, पूरे चेहरे पर मलो, जिनको थायराइड प्रॉब्लम है गले पर मलो और आंखें खोल दो। जिनको थायराइड प्रॉब्लम है गले पे मल लिया करो ऐसे बस और आंखें खोल दो। इतनी सी एक्सरसाइज से लगभग अगर 100 लोग करते हैं तो 60-70 लोग बताते हैं कि हमारा चश्मा नंबर कम हो गया या उतर गया। बड़ा आसान है। और जिनको भी कैटरेक्ट है, सफेद मोतिया, काला मोतिया या कोई और आंखों का रोग जिसमें भी ऑपरेशन की तकलीफ है, जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में एक टेक्निक होती है अक्षय तर्पण। कोई भी पंचकर्मा सेंटर आपके घर के आसपास, अक्षय तर्पण टेक्निक में एक ऐसे मटेरियल आंखों पे लगा के ना, होल बना के आंखों के अंदर एक ऑयल डाला जाता है, हर्बल ऑयल होता है वो, मेडिकेटेड, उसके आंखों की एक्सरसाइज करके वो चश्मा विद इन फ्यू डेज, नहीं तो कैटरेक्ट वगैरह सब कैंसिल हो जाता है। आपको शायद पता होगा, अभी मोदी जी ने लगभग 1 महीना पहले एक इंटरव्यू में, आपको याद होगा रोजमेरी के, सुना किसी ने नाम रोजमेरी? रोजमेरी कीनिया के राष्ट्रपति की बेटी है। रोजमेरी की आंखों की रोशनी चली गई थी ब्रेन ट्यूमर की वजह से, और पूरे वर्ल्ड के 45 से 50 कंट्रीज में वो घूम चुकी थी, अंधी हो गई थी। इवन की 3 साल से उसने अपने बच्चों को भी नहीं देखा क्योंकि आंखों की रोशनी चली गई। इंडिया में आके आयुर्वेद से, पंचकर्मा से उसकी आंखों की रोशनी वापिस आई है। वो मोदी जी ने खुद अभी 1 महीना पहले एक लेक्चर में बोला और उन्होंने पूरा उसके ऊपर बताया, डिटेल दिया। जो राष्ट्रपति ओलिंगा हैं केनिया के, उनकी बेटी है रोजमेरी, इंडिया में आके उसकी आंखों की रोशनी ठीक हुई है। सोचो कि ये पूरे वर्ल्ड के 40-50 कंट्री में घूम चुकी थी। तो आयुर्वेद में सब कुछ है, लोगों को मालूम नहीं है। किसी को भी हार्ट अटैक पड़ जाए, लकवे का अटैक पड़ जाए, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, आपके पास कुछ नहीं है, डॉक्टर आता रहेगा अपने आप, एम्बुलेंस को फोन कर दिया,
आपने इमीडिएटली एक टुकड़ा अदरक का लेना है और चबाना शुरू कर देना है, जिसको भी प्रॉब्लम आई है इतना चबाना है, इतना चबाना है, इतना चबाना है, आंखों से पानी आ जाए। जब आंखों से पानी आया समझो ब्लॉकेज चली गई। इतना आसान सा उपाय है, अदरक नहीं पड़ी हल्दी चबा लो, कच्ची हल्दी होती है ना, वो भी नहीं पड़ी लहसुन चबा लो, कुछ नहीं पड़ा लाल मिर्चों की फक्की मार लो, हरी मिर्च चबा लो। ये पांच चीजें याद रख लो, अदरक हल्दी लहसुन लाल मिर्च हरी मिर्च, ये पांच चीज हर घर में होनी चाहिए। पांच चीजें हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिटिक अटैक इमीडिएटली उसको सॉल्व कर सकती हैं 99.99%। कोई मॉडर्न डॉक्टर नहीं बताएगा आपको, क्योंकि उनकी तो उनकी पढ़ाई लिखाई में नहीं है। अच्छा, आप लोग डॉक्टर से जाके पूछते हो क्या खाएं क्या नहीं खाएं, पूछते हो ना डॉक्टर से, पूछते हो ना क्या खाएं क्या नहीं खाएं। आपको पता है डॉक्टरों की किताब में चैप्टर ही नहीं होता, मालूम है कि नहीं बात आपको? ये MBBS की बुक्स में 5.5 साल की डिग्री में डाइट चैप्टर ही नहीं है, है ही नहीं। उनकी बॉडी किताबों में सिर्फ एक कंसेप्ट है, कैलरी कंसेप्ट। सेब में 100 कैलरी होती है, ब्रेड में भी 100 कैलरी होती है। भागने से 100 कैलरी खर्च होती है, तैरने से 600 कैलरी खर्च होती है, ये कंसेप्ट है। 5.5 साल की डिग्री में डाइट चैप्टर नहीं है। उनके लिए डाइट डिपार्टमेंट में डाइटिशियंस होती हैं, और डाइटिशियंस को भी वही पढ़ाया जाता है जो कंपनियां पढ़ाना चाहती हैं। बीमार हो तो क्या खाओ, ब्रेड ले लो हल्का है दूध में डुबो के। जब कुत्ता बीमार पड़ता है ब्रेड खाता है क्या? कुछ भी नहीं खाता। आप लोगों में किसी ने जानवर पाला आज तक? जानवर पाला है? कोई भी कुत्ता बिल्ली कबूतर तोता गाय जब बीमार पड़ता है क्या करते हैं? खाना बंद कर देते हैं। हाँ जी, आपके घरों में जिसने भी पाला हुआ क्या करते हैं वो बीमार पड़ते हैं तो? और हमें क्या होता है? खाना खिचड़ी बना दो, पीली दाल बना दो, मेरे को दूध दे दो बस जरा सा, ब्रेड में डुबो के खा लो, क्या है भैया? अरे खाना नहीं खाना होता। जब भी बीमार पड़ो खाना कम से कम 3 दिन के लिए खाना नहीं खाना होता, भोजन करना होता है। खाना नहीं खाना, भोजन करना है। अब आप बोलोगे खाना और भोजन में क्या फर्क है? खाना वो है जो आप बनाते हो, भोजन वो है जो भगवान बनाता है। फ्रूट खा सकते हो, सलाद खा सकते हो, जो नेचुरल जैसा सृष्टि पे आया है उसको वैसा ले सकते हो, वो भोजन है। हम भोजन करने के लिए बने हैं। दुनिया में कोई जानवर खाना पका के खाता है क्या? इंसान कभी सुना है शेर ने हिरन को पकड़ा हो, पहले तेरे को भूनूंगा आ जा, पहले तेरे को मैं रोस्टेड डियर बनाऊंगा मैं। हमें ही चाहिए रोस्टेड चिकन। चिकन में स्वाद होता है क्या? मसालों का स्वाद है। अच्छा चलो एक छोटी सी बात पूछता हूं आपसे। दो तरह के अंडे होते हैं, एक देसी अंडा और एक फार्मी अंडा, दोनों में फर्क क्या होता है? देसी अंडा और फार्मी अंडा में फर्क क्या होता है? न्यूट्रिशन वैल्यू और मशीन। मशीन से कैसे बनता है वो? हाँ जी, देसी अंडा खाते हो ना सारे? बहुत सारे लोग खाते हो आप में से? अगर मैं 5 मिनट और बैठूंगा तो मैं नॉनवेज भी छुड़वा दूंगा आपका। मैं बताऊंगा ना जो खाते हो वो क्या होगा तो आप हैरान हो जाओगे, जो खाते हो आप क्या है वो। नहीं छोड़ना पक्का बेटा, हॉस्पिटल ही जाएंगे बाद में। डॉक्टरों के ही खाते हो। एक डॉक्टर ने कहा था इंसान अपने जीवन के लिए 25% खाता है, 75% वो हमारी कमाई के लिए खाता है। मतलब डॉक्टर के ही कोट है ये, वर्ल्ड के एक रिनाउंड डॉक्टर का कोट है कि जितना इंसान खाता है उसका 25% वो अपने लिए खाता है, 75% वो हमारे लिए खाता है। हाँ जी, अंडे के ऊपर थे हम, देसी अंडा और फार्मी अंडा। देसी अंडा वो होता है जो मुर्गा मुर्गी के मिलन से नेचुरली पैदा होता है, वो नेचुरल है, जो मुर्गा मुर्गी के मिलन से पैदा होता है और फर्टिलाइजर से पैदा होता है। फार्मी अंडा वो है जिस मुर्गी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी मुर्गा देखा भी नहीं होता, स्टेराइड्स की वजह से, ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से और ऐसी फीड की वजह से उसके जननांगों को स्टिमुलेट किया जाता है, वो अपने आप अंडे देती रहती है। उसके जननांगों को छेड़ छेड़ के स्टिमुलेट करके, उसके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करके जो अंडा लिया जाएगा
वो आपके लिए हेल्दी कैसे हो सकता है, पहले तो मुझे ये बताओ। एक माँ टेंशन में होती है ना, जब पेट में बच्चा हो तो बच्चे में डिस्टर्बेंस आती है, पता है आपको, बच्चे के दिल में छेद हो जाता है, बच्चे के पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं, बच्चे में हार्मोन डिसेबिलिटीज होती हैं। तो सोचो मुर्गी का जो अंडा निकल रहा है उसको छेड़ छेड़ के परेशान कर करके निकाल रहे हो, वो आपके लिए हेल्दी कैसे हो जाएगा? हार्मोन डिस्टर्ब करेगा ना हमारे। अच्छा आप लोगों ने मुर्गा सुनी है, मुर्गी सुनी है, आप जो मांस खाते हो किस चीज का होता है, जो आप मीट खाते हो क्या होता है, जो आप नॉनवेज खाते हो चिकन खाते हो क्या होता है, मुर्गा होता है मुर्गी होती है? हाँ पक्का पक्का, मुर्गा या मुर्गी दोनों में से कोई होता है ना? वो मुर्गा होता है ना वो मुर्गी होती है, वो ब्रॉयलर होता है, वो नपुंसक होता है, वो लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, वो मुर्गा भी नहीं होता और मुर्गी भी नहीं होती है, बीच का होता है वो। और उसका मांस खा के आप लोग उम्मीद लगाते हो हम बच्चे पैदा कर लेंगे भविष्य में। क्यों आज इनफर्टिलिटी क्लिनिक खुले पड़े हैं इतने, क्यों हार्मोन्स की प्रॉब्लम आई पड़ी है? क्योंकि हम खा के आ रहे हैं उसी के गुण तो लेंगे ना हम, जो हम खाएंगे जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन, सुना है ना? तो आप खा के आ रहे हो, बदले में बनोगे क्या? हमारे पास डेली के कम से कम 10 केस आते हैं 25-25 30-30 साल के लड़के लड़कियां जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वजह क्लियर है कि खा के आ रहे हो। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, सुना है ये यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जैसे हम अंदर है वैसे ही बाहर है, सृष्टि और हमारा तालमेल है, हम जो खाएंगे वैसा ही बनेंगे, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हो जाएगा। आज के बाद नियम बना लो कि डेली 15 मिनट कम से कम नंगे पांव घास पे जरूर घूमना है, ये नियम सबका होना चाहिए, नंगे पांव घास पे, कभी किडनी फेल नहीं होगी। ब्लड प्रेशर की गोली विद इन 30-60 डेज में धीरे धीरे कम होकर छूट सकती है। कितने लोग बीपी की गोली खाते हैं रोज? बीपी की गोली खाते हैं। और शुगर किस किस को है? शुगर कभी लोगों को है। अगर आप चाहते हो कभी लाइफ में शुगर ना आए, कभी बीपी ना आए, तो जो बताऊंगा ऐसे कर लोगे? कुछ नहीं करना, सिर्फ खाने का सिस्टम थोड़ा सा चेंज करना है। जब भी खाना खाना है 2 प्लेट्स में खाना है। आपने अगर कभी चाहते हो इस जन्म में ना शुगर आए ना बीपी आए, एक चीज याद रखना, जितनी भी बीमारियां हैं किडनी फेल लीवर फेल और कैंसर, 80% शुगर और बीपी वाले को ही होती है। मतलब शुगर है तो ही हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, तो ही किडनी फेल होगी, बीपी है तो ही हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, तो ही किडनी की प्रॉब्लम आएगी, तो ही कैंसर आने के चांस बढ़ेंगे। मतलब शुगर और बीपी वाले को 80% ज्यादा चांस है किडनी फेल के लीवर फेल के और कैंसर के। तो एक तरीका है छोटा सा, जो भी आप खाना खाते हो बस सैलेड और फ्रूट पहले खाना शुरू कर दो। कभी भी खाना खाना है हम क्या करते हैं, एक ग्रही खाएंगे साथ में खीरा खाएंगे, फिर एक ग्रही खाएंगे एक टमाटर खाएंगे, फिर एक ग्रही खाएंगे थर्ड में प्याज खाएंगे, ऐसे नहीं करना। खीरा टमाटर प्याज मूली गाजर सब पहले खाना है, सेब संतरा किन्नू अमरूद आम सब पहले खाना है। मतलब जब भी खाना खाना है पहले सैलड खाना है, बाद में नहीं। और कितना खाना है? जितना आपका वजन गुणा 5। अगर आप 60 किलो के तो लगभग 300 ग्राम, 70 किलो के तो 350 ग्राम, 80 किलो के तो 400 ग्राम, अंदाजन ये आपकी डाइट है। और खाना खाने और सैलड में गैप नहीं होना चाहिए, अभी सैलड खत्म हुई अभी खाना, मतलब रोटी खाओ चावल खाओ इमीडिएटली पहले क्या खाना है, सैलड, लंच में भी डिनर में भी, और नाश्ते में फ्रूट्स। अगर ये नियम बनाओगे तो कभी भी शुगर और बीपी होगा ही नहीं। दुनिया में किसी भी डॉक्टर से पूछना, आज तक एक पेशेंट का नंबर दो, आपने किसी की शुगर ठीक की है क्या, मेंटेन नहीं ठीक की है क्या, एक भी डॉक्टर के पास एक भी पेशेंट का नंबर नहीं होगा। ये मैं मॉडर्न डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, हम आपको लाखों पेशेंट के नंबर दे सकते हैं,
जिनकी शुगर ठीक हो जाती, बोल नहीं सकते, गोली। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली NCR मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़ डेरा बसी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।